लखनऊ में काकोरी के ग्राम गदाई खेड़ा बड़ा गांव में चल रही भागवत कथा में चार वेद पुराण गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या भक्तों ने श्रावण की। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण जी के वात्सल्य प्रेम असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार अनाचार कटुता व्यापचारी को दूर कर सुंदर समाज के निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के 7वें और अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुदामा चरित्र का वर्णन कर लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया गया। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज चैनल। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ काकोरी थाना क्षेत्र के गदाई खेड़ा गांव में उपस्थित हैं और यहां पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के महाराज जी साथ में हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। आप महाराज जी अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले केकेडी न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद और सबको आशीर्वाद। मेरा नाम मुकेश चंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला रानीखेत, उसके वहाँ रानीखेत से 22 किलोमीटर दूर है कफड़ा ग्राम। कफड़ा में कुमारटेक ग्राम है, उस गांव का मैं निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान वही है, देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। पहली बात बताएं कि वो वास्तव में देवभूमि है। वहाँ लोगों का व्यवहार आदर, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो वहां का हूँ, आप सोचेंगे प्रशंसा कर रहा, लेकिन प्रशंसा नहीं कर रहा। वहां के लोग कहते हैं कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज, वहां का खान पान और वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा है। तो मैं, मेरा जो बचपन रहा वो बहुत स्ट्रगल से रहा। मैं बचपन में हमारे घर में बहुत ही विपन्नता थी, पिताश्री का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। भगवान की कृपा से, उन्हीं की आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से धीरे 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 माता पिता ने हमको आगे मार्ग दिखाया। मेरे पिताश्री भी ज्योतिषी थे और बहुत अच्छे कर्मकांडी थे, तो उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया और उनकी दिली इच्छा थी कि मेरा जो बेटा है वो कथावाचक बने, जिससे कि जन जन में वो प्रचार करे, भगवान का काम करे और धर्म का प्रचार प्रसार करे। जी महाराज जी, तो आज मतलब यहाँ पर आए हुए हैं, कितने दिनों से यह कथा अभी शुरू हुई? मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन का समय हो गया है। मैं यहाँ 16 तारीख को आया था और 17 तारीख से यहाँ गदाई खेड़ा में प्रमोद जी उनके घर में ये कथा हो रही है। जहां तक मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भावुक हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं भगवान से, और यजमान जी तो बहुत ही अच्छे हैं। तो भगवान की कृपा उनके ऊपर ऐसे बरसती रहे और यहाँ मुझे बहुत अच्छा सम्मान और प्रेम मिल रहा है। महाराज जी, अपने बारे में ये बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर आप किस चीज में? देखिये, सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जो भी आधुनिक आज के सोशल मीडिया है, उसमें मेरा अपना चैनल बना हुआ है, श्री मुकेश जी महाराज। ये नाम अगर सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आएगा, मेरा फोटो दिखेगा उसमें आपको लगभग काफी। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज चैनल।